मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस के इलाके रामगंगा विहार कॉलोनी निवासी दीपक शर्मा प्रॉपर्टी के साथ दवा कारोबारी हैं। उन्होंने अपनी बेटी खुशी की शादी कपूर कंपनी पेट्रोल पंप के मालिक सौरभ कपूर के बेटे सार्थक कपूर से पिछले साल 21 जुलाई को बड़े ही शाही अंदाज में दिल्ली रोड स्थित एक 5-स्टार होटल में की थी, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल पाया। खुशी ने पति सहित ससुरालियों के खिलाफ महिला थाना पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि पति उससे दहेज में फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहा है। सास ससुर व नंद 80 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। 2 दिन पूर्व सीओ सिविल लाइंस आशुतोष तिवारी ने दोनों पक्ष के लोगों को एक साथ बात करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाया था और ये प्रयास किया गया था कि किसी तरह ये रिश्ता बना रहे, लेकिन आरोपियों ने किसी बात को नहीं माना, जिससे उनके खिलाफ ये कार्यवाही अमल में लाई गई है। सीओ सिविल लाइंस के आदेश पर महिला थाने में खुशी के पति सार्थक ससुर सौरभ कपूर सास स्वाति व नंद शिवंतिका के खिलाफ दहेज प्रथा की धारा 498 मारपीट 323 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तमीजी करते हैं, पैसे मांगते थे पहले तो कि इतने पैसे दे दो, गाड़ी कह दे अपने पापा से गाड़ी दे दे, हर वक्त बदतमीजी। और उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा गंदा टॉर्चर, जैसे कहते हैं गंदगी बोलना शुरू कर देता कि तेरा रेप हो जाए। करते क्या है आपके हस्बैंड? और पेट्रोल पंप है कपूर कंपनी वाला। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? सार्थक कपूर। और उनके पिता का? सौरभ कपूर। और किस किस के नाम है? शिवंतिका कपूर उनकी बहन और उनकी मम्मी स्वाति कपूर। आप कहाँ रहते हैं? मैं रामगंगा विहार। 1 साल हुआ शादी को आपकी? नहीं, 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक, क्या नाम बताया आपने अपना? खुशी शर्मा। पिताजी का क्या नाम है? दीपक शर्मा। कहाँ रहते हैं आप? रामगंगा विहार। करा दिए? किन के लोगों के खिलाफ कराई है? सौरभ कपूर, सार्थक कपूर, स्वाति कपूर, शिवंती कपूर।